अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और किस बूते पर रोक रही थी तुम उन्हें? हाँ, अगर रोक लेती तो खिलाती क्या? तुम्हें मालूम भी है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। अरे एक लौकी से पूरे घर का गुजारा करना है, सबको खिलाना है, बच्चों की फीस देनी है 16, ऊपर से माँ जी की दवाई का खर्चा, निहार के केस के लिए भी पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से आएंगे? या फिर वो तुम्हारा हितैषी वेद ला कर देगा पैसे? माँ प्लीज। क्या प्लीज, क्या प्लीज? हाँ मैं पूछ रही हूँ, कहाँ से आएंगे पैसे बताओ? पैसों का इंतजाम हो गया है। अजीब, ने पैसे कहाँ से लाया? अजीब, आप बिजनेस की डील के लिए गए थे ना, वो डील पक्की हो गई क्या? हाँ, डील हो चुकी है। अजी इतनी बड़ी डील हो गई तो कम से कम थोड़ी मिठाई लेकर आते, मैं खाटू श्याम जी महाराज को चढ़ा देती। है कोई बात नहीं, अपने घर जाकर लगा देंगे वो, मैं सामान बांध लेती हूँ। पापा जी, नरेश, पापा जी, कहो आप ठीक तो है ना? ये पेपर कैसे? क्या हुआ बेटा? Breathe in, breathe out. गहरी सांस लो और अब उसे छोड़ दो। आपको कहीं पहले देखा है मैंने, हम कहीं मिले हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो नया हूँ यहाँ। पानी देती हूँ मैं आपको, हाँ एक सेकेंड। कल मैंने हर जगह देख लिया, चप्पा चप्पा छान मारा, सभी बैग भी चेक कर ली, लेकिन मुझे मेरा पाउच नहीं मिला। हो ना हो मेरा पाउच रुचिता के टकराने पे ही कहीं गिरा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पासपोर्ट रुचिता के हाथ लग गया हो। मुझे कैसे भी करके पासपोर्ट का पता लगाना होगा और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। चलो सब अपनी आंखें खोलो। अच्छा पता है, आज ना योगा के साथ साथ हम एक गेम भी खेलेंगे। ये! ओके। इस बोल में मैंने आप सबके नाम की चिट डाली और जिसके नाम की चिट मेरे हाथ में आएगी उसे मिलेगा एक बड़ा सा गुड़ी बैग। ये! You ready? Yes. Okay. मिल गया। खोलू? उस लकी बच्चे का नाम है जूही गोयल। सारे पर्चे पर जूही का ही नाम है। ये है गुड़ी बैग, आ जाओ। ये लो। अरे ये गुड़ी बैग तो बहुत बड़ा है और तुम इतनी छोटी, इसे घर कैसे ले जाओगी? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और ये गुड़ी बैग तुम्हें तुम्हारे घर में ले आती हूँ। यस मिस, मेरी फैमिली आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। बस अब मुझे वहां कोई पहचाने ना, खास करके वो रुचिता। क्या हुआ रुचिता?
पिताजी, आपने कोयल निवास बेच दिया। क्या आपने घर कैसे बेच दिया? कब कैसे? भैया प्लीज, पापा जी की हालत तो देखिए, इन्हें उठा के सोफे पे बिठाइए, फिर बात कीजिएगा। वाह पापा वाह, मतलब आपका एक बेटा चला गया तो आप दूसरे बेटे को भूल ही गए। एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते। क्यों पूछते प्रतीक, और किस हक से पूछ रहे हो तुम ये सब? अरे नरेश ने अपनी मेहनत से वो घर खरीदा और अपनी मर्जी से बेच दिया। नरेश से सवाल करने का किसी को कोई हक नहीं है, और तुम अगर बाप का साथ नहीं दे सकते हो ना, तो खरी खोटी सुनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझे? तो पापा जी, मैं मानती हूँ कि प्रतीक भैया ने जो कहा बहुत गलत कहा, लेकिन आप एक बार तो माँ को बता देते तो शायद आपको पता चल जाता कि हमें मोनिका के खिलाफ एक लीड मिली है। हम बहुत जल्द उस तक पहुंचने वाले हैं, फिर सब ठीक हो जाता। पापा जी, आपको आपको घर घर बेचने की कभी नौबत ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं पापा जी, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप फिलहाल आराम कीजिए। गाइस, इंजेक्शन याद रहे, कौन कौन से मेडिकल शॉप्स पर मिलता है, इसे पिछले 15 दिनों में किस किस ने खरीदा है, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? ओके सर। शहर के फार्मेसी, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल्स, सब जगह थरेली चेक करना है। एंड यस, हमारी मिस मोनिका या मिस एक्स को ढूंढने के लिए ये इंजेक्शन सबसे अहम लीड है। ये हर जगह नहीं बिकता है, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे नहीं बेचा जा सकता है, ये दिमाग में रहे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, हमें अपने काम पर लगना है और इस मोनिका को जल्द से जल्द पकड़ना है। Got it? Yes, sir. आवाज नहीं आई? Yes, sir. Good. This pass. तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया था निहार। जूही, ये कौन है? ये हमारी योगा वाली टीचर है, मिस योगिता। नमस्ते। नमस्ते। अंदर आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? इनकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं। अभी इस वक्त घर में मेरे अलावा और कोई नहीं। परफेक्ट जी। मेरे कहने का मतलब है, इट्स ओके। जूही बेटा, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी लेकर आओगे? जूही बेटा, पानी क्यों, जूस और नमकीन लेकर आओ ना इनके लिए। हाँ। आइए। इतना छोटा घर, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही गरीब हो गए। खैर, मुझे क्या, कोई घर पे नहीं है, तलाशी लेने का अच्छा मौका ही है। रूही, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, ध्यान से आना चाहिए था ना। इट्स ओके, आप मत डांटिए, बच्ची है।
गिर गई होगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि वॉशरूम कहाँ है, मैं थोड़ा पानी डाल के इसे साफ कर देती हूँ। वहाँ पे। अच्छा ठीक है, इधर आ जाओ संभाल के। क्या तुम लोग बिना ध्यान से नहीं कर सकते हो कोई काम? चलो आओ मिल के साफ करते हैं, ये इधर रखो। हाँ रुचिता ने यहीं कहीं मेरा पासपोर्ट छुपा रखा होगा। तुम लोग भी ना ध्यान से काम किया करो। कुछ हुआ है क्या? कोई आया था घर पे? अरे रुचिता बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, रूही जूही की योगा टीचर आई, उनके कपड़ों पे जूस गिर गया था तो वॉशरूम में साफ करने गई। अच्छा मैं ये डॉक्यूमेंट्स के पेपर रूम में रखकर आती हूँ, फिर इनकी योगा टीचर से भी मिलूंगी। ये अलमारी कैसे खुली है? मैंने खुला छोड़ दिया था क्या? कोई था क्या वहां पर? कौन हो सकता है? देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।